तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये एक कहता है कि एक स्कूटर वाला है, स्कूटर वाली है वाला जो भी है, मास है 150 kg है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो जो स्कूटर का मास है ऑलरेडी कितना है, 150 kg दिया हुआ है, ठीक है। एंड राइडर मूव जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 36 को 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इट इट टेक ए टर्न ऑफ रेडियस, मतलब ये जो स्कूटर है जिस रेडियस में टर्निंग ले रहा है वो, ये वाली यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बन रहा है रेडियस, ठीक है, जिसमें ये टर्निंग ले रहा है, ठीक है, ये वाला, इसकी रेडियस, ये जो रेडियस है वो एक्चुअली 30 मीटर है, 30 मीटर। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर, अब यहाँ से देखोगे तो हॉरिजेंटल में बेसिकली तो एक ही फोर्स लगता है भाई इस स्कूटर पे, वर्टिकल में तो नॉर्मल लगेगा, ठीक है, और ये mg लगेगी, लेकिन हॉरिजेंटल में तुम देखोगे तो हॉरिजेंटल में तो एक ही फोर्स लगता है, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है ग्राउंड पे, तो हॉरिजेंटल में तो एक ही फोर्स लगेगा, ग्राउंड से फोर्स मतलब होता है ग्राउंड से, तो हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन है, ठीक है। और फोर्स पूछे हैं नहीं, अगर स्कूटर पे ही चढ़ के देखोगे तो एक तो सूडो लगा दोगे और एक फ्रिक्शन भी लगाओगे, लेकिन फोर्स पूछा गया है तो फोर्स मतलब ग्राउंड से, तो ग्राउंड से तो एक ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन यार, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ mv² / r, और इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर μn भी होगी, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे mg, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी μmg। मतलब सब कुछ पता है, अगर म्यू मुझे पता चल जाए, ठीक है, अगर हम लोग को म्यू पता चल जाए तो ये सवाल क्या होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो टर्निंग स्पीड होती है, टर्निंग मैक्सिमम स्पीड, जब स्पीड मैक्सिमम होती है उस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग लगता है, और आई होप कि आपको ये फार्मूला याद होगा। तो मैक्सिमम स्पीड जो होता हो वो μrg√ होता है, ठीक है। तो यहाँ से वी मैक्स का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू μrg, तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो r की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई rg। यहाँ rg नहीं, हम लोग को म्यू चाहिए था, तो मैं यहाँ म्यू लिख दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम स्पीड कितना बोलो, 30, और ये मल्टीप्लाइड बाई अगेन 30 एंड डिवाइडेड बाई स्पीड कितना भाई, देखो एक बार देखो स्पीड कितना है, तो स्पीड शायद 10 है, तो ये 10 है, रेडियस 30 है, तो स्पीड 10 है और रेडियस 30 है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे स्पीड 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और रेडियस ए जी की वैल्यू, रेडियस 30 हो गई, जी की वैल्यू ये आ गई, तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगी 1/3, ये म्यू इसमें रख देंगे तो हमारा फोर्स हॉरिजेंटल फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, उस हॉरिजेंटल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो होगी mv² / r, मतलब रेडियस, या μmg के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से म्यू कितना है, 1/3, और म्यू और मास दिया हुआ है, देखो मास कितना है 150 kg, और जी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 500 न्यूटन इतना आ जाएगा, या इसको आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, फ्रिक्शन ही हॉरिजेंटल फोर्स, मास 150, और ये 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइडेड बाई रेडियस 30, तो ये इससे ख़त्म हो गया, और ये 5 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन ही सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, तो चाहे आप इससे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इससे कैलकुलेट कर लो, बोथ आर करेक्ट इस समय, क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है और उसकी वैल्यू μmg के इक्वल है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड दे रहा है। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों, और मोटिवेटेड रहो, अपना बहुत ख्याल रखो।